दोस्तों आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और YouTube बेल आइकॉन दबाकर पाए दुनिया की सारी रोचक खबरें फटाफट। Facebook के संस्थापक और CEO मार्क जुकरबर्ग को करीब 35 अरब डॉलर का भारी झटका लगा। अब भी दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति Facebook के संस्थापक और CEO मार्क जुकरबर्ग को सोमवार को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। करोड़ों यूजर्स के डेटा लीक मामले के सामने आने से सोमवार को फेसबुक के शेयर मूल्य में 35 अरब डॉलर की गिरावट देखी गई। सहयोगी संगठनों के साथ फेसबुक के 403 मिलियन से अधिक के शेयर जुकरबर्ग के हैं, जिनकी कीमत 68.5 बिलियन है, जिसके चलते 35 अरब डॉलर के भारी नुकसान के बाद भी नेटवर्थ के मामले में जैकर बेजोस, बिल गेट्स और वॉरेन बफे के बाद जुकरबर्ग दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। डेटा लीक मामला। रिपोर्ट्स के मुताबिक फेसबुक ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की मदद करने वाली एक फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका को 5 करोड़ से अधिक फेसबुक यूजर्स का डेटा बेच दिया और इस डेटा का इस्तेमाल कर गलत तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जीतने में मदद की गई। खबर के फैलने पर अमेरिकी और यूरोपीय संसदों ने फेसबुक से डेटा लीक मामले में फेसबुक से जवाब मांगा है और साथ ही कैम्ब्रिज एनालिटिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जीतने में किस तरह मदद की ये भी जानना चाहते हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका एक डेटा माइनिंग और डेटा को एनालाइज करने वाली प्राइवेट कंपनी है, जो डेटा माइनिंग और एनालिसिस के आधार पर राजनीतिक पार्टियों को राजनीतिक रणनीति बनाने में मदद करती है। दरअसल ये वही कंपनी है जिसकी मदद के आधार पर राहुल गांधी गुजरात में मोदी को हराना चाहते थे और गुजरात में कांग्रेस का परचम फहराना चाहते थे। गुजरात में मोदी को हराने के लिए राहुल गांधी ने इसी फर्म को ठेका दिया था। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए और भी रोचक खबरें।